ऐसी यौन हिंसा और चाइल्ड अब्यूज के केसेस रोजाना घटते हैं। हम सब अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, भूल जाते हैं। एक 22 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत का बलात्कार होता है, जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है, ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है। अरे जरूरत है कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि बेटा दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे नहीं, ऐसे ओढ़ो। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, जाना हो या तो पापा के साथ जाना या फिर भाई के साथ जाना। ऐसे कपड़े पहन, वैसे कपड़े बिल्कुल मत पहन। ऐसे लोगों से दोस्ती कर, वैसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल मत कर। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी, बराबरी कैसे दी जाती है? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, सड़क पर देखते हुए भी अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और इसी से उसे हौसला मिलता है एक और अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दस्तक दे रहे हैं। आप अपने घरों में दस्तक दें, अपने आसपास दस्तक दें और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ। नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या? नहीं। मंजूर है क्या? नहीं। जस्ट पीछे ज्यादा लोग खड़े हैं, उनकी आवाज में एक से ज्यादा आवाज होनी चाहिए। मंजूर है क्या? नहीं। अबर मंजूर नहीं। अबर मंजूर नहीं। अबर मंजूर नहीं। तो जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधी हो ये बिजली हो की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, दियो ये बिजलियों की पीठ पर सवार। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।